बहुत सारे बच्चे सोच रहे थे कि कैसे होगा ग्राउंड। आरसी फिजिकल एकेडमी वन ऑफ द बेस्ट सबसे पहले देने वाला वीडियो, इंडियन आर्मी का सबसे पहले वीडियो ग्राउंड रिपोर्ट आप लोग देख सकते हैं। पूरा आपका एक तरह से कहिए, अगर साधारण भाषा में कहा जाए तो शमियाना बैठ गया है, अब सिर्फ शादी में क्या बोलते हैं उसको, दूल्हा का इंतजार है। तो आप लोग आइए और अपना जो वर्दी के साथ में जो विवाह करना है वो प्रक्रिया आपका यहाँ पे ही होने वाला है। बहुत सारे बच्चों के मन में कन्फ्यूजन है कि फर्स्ट ट्रैक छोड़ के सेकेंड ट्रैक में रनिंग होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका जो रनिंग है वो फर्स्ट ट्रैक से ही स्टार्ट होगा, इसी में आपको रनिंग करना है। यही है आपका 1600 मीटर का जो भर्ती, आपका जो वर्दी का सपना वाला जो ग्राउंड है वो यही है। यहाँ पे चारों ओर बैरिकेडिंग लगाया गया है, जिस तरह से ऑल ओवर जितने भी बार इंडियन आर्मी का दौड़ हुआ है उस बार से भी इस बार थोड़ा अच्छा मैनेजमेंट भी लग रहा है। चारों तरफ से पूरा घेरा हुआ है, अंदर से चारों तरफ से पूरा घेरा हुआ है। यहाँ पर से सीओ साहब सारा इन्फॉर्मेशन देंगे, यहीं पे बैच का एंट्री और यहीं पे लाइनिंग बैठेगा, यहीं पे आपको स्टार्टिंग पॉइंट यही होगा, ये स्टार्टिंग पॉइंट होगा। ये आपका रस्सी है दोस्तों, यही रास्ता आपका चलेगा, यही रास्ता घेरा जाएगा, इसी से आप इसी को आपको पार करना है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पे गुड वाले बच्चे इंटर करेंगे, जितने भी बच्चे गुड में एंट्री करेंगे 5:30 से 5:45 पूरा टाइम मिलेगा। जैसे हमारा भी बात हुआ, हमारा जैसे बात हुआ सीओ साहब से, उन्होंने पूरा बताया कि टाइमिंग पूरा मिलेगा 5:30 से 5:45। तो बिल्कुल भी अफवाहों में मत रहिए, अभी जस्ट थोड़ा देर पहले मिले थे उनसे, तो अच्छा बिहेव में बताया कि कैसे उनको डॉक्यूमेंट के विषय में अच्छा ब्रीफ कर रहे थे कि कैसे बच्चों को बताना है क्या करना है, तो उनसे भी बात हुआ। ये एक्सेलेंट है दोस्तों, किस्मत से नहीं मेहनत से मिलने वाला है, इसके अंदर में घुसेंगे मेहनत से घुसेंगे, यहाँ पे आपको एक्सेलेंट घुसना पड़ेगा। ये फर्स्ट वेरीगेटिंग आपका एक्सेलेंट का जाएगा, जो कि 5:30 तक जितने भी बच्चे, अगर 100 में 100 बच्चे अगर 5:30 तक घुसेंगे तो सारे एक्सेलेंट कहलाएंगे। उन्होंने भी बोला कि अगर 100 बच्चे दौड़ रहे हैं, 100 के 100 बच्चे भी अगर 5:30 के अंदर कंप्लीट करेंगे हम सभी को एक्सेलेंट मिलेंगे। अब 5:45 तक जितने भी बच्चे घुसेंगे सारे लोग घुसेंगे गुड पे। बहुत सारे अभ्यर्थी, दो अभ्यर्थी भी दिख रहे हैं हम लोगों को यहाँ पे ग्राउंड देखने के लिए आए हैं। ये चारों ओर जो बच्चे सोच रहे थे कि फर्स्ट ट्रैक को छोड़ के सेकेंड ट्रैक में दौड़ होगा, ये बिल्कुल भी गलत है। आपका फर्स्ट ट्रैक में ही दौड़ होगा, क्योंकि एक ट्रैक को छोड़ के दूसरे ट्रैक में अगर दौड़ होता है तो 7 मीटर का पर राउंड में आपका चेंजेस आ जाएगा। मतलब आप समझ के चलिए कि अगर पहला राउंड से आप सेकेंड ट्रैक में दौड़ेंगे तो 7×4=28, लगभग 28 मीटर आपको एक्स्ट्रा दौड़ना पड़ेगा, और मोटा मोटी कम से कम 4 से 5 सेकेंड एक्स्ट्रा लगेगा। ये बिल्कुल आप इसको चीज़ को डिनाई कर सकते हैं कि आपका फर्स्ट ट्रैक से ही रनिंग होगा। वहाँ पर राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 का आपका लगा हुआ है सारा कुछ। इस बार सुनने में आया है दोस्तों कि घड़ी भी लगने वाला है, बड़ा सा घड़ी भी लगने वाला है, जिसमें आप अपना टाइमिंग देख सकते हैं कि पहला राउंड कितना में गया, दूसरा राउंड कितना में गया और क्या है। ट्रैक के विषय में बात करें तो बहुत सारे बच्चे घबरा रहे हैं, या फिर आप एकदम समझ के चलिए कि थोड़ा सा ये सिंथेटिक ट्रैक और सिंथेटिक ट्रैक से थोड़ा सा अलग है, क्योंकि ये प्रैक्टिस ग्राउंड है, बहुत अच्छा हाई टेक्निक से बना हुआ नहीं है। मतलब जितने भी बच्चे ग्राउंड पे ट्रेनिंग किए हैं, जितनों ने ग्राउंड पे अच्छा से ट्रेनिंग करा है, सेम टाइप का आपको यहाँ पे फील होगा, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं। जो बच्चे खाली पैर लगाना चाहते हैं खाली पैर लगाइए, जो बच्चे रनिंग शूज़ पहन के लगाना चाहते हैं रनिंग शूज़ पहन के लगाइए, कोई अंतर नहीं है आपको। बिल्कुल आपका ग्राउंड का टाइम जो भी है, आपका 5:05, 5:10, 5:15 जो भी आपका टाइमिंग है, वो सारा टाइमिंग आपको यहाँ पे मिलेगा। आइए चारों ओर आपको घूम के दिखा देते हैं सारा व्यू क्या है। लगभग ग्राउंड का सारा प्रोसेस बन चुका है, अभी आज है आपका 25 तारीख, कल आपका 26 तारीख हो जाएगा। सारा चीज़ का प्रोसेस आप लोग चारों ओर देख सकते हैं इंडियन आर्मी का। जैसे एंट्री के टाइम पे भी आप लोगों ने देखा कि एंट्री के टाइम पे भी इंडियन आर्मी का सारा प्रोसेस प्रक्रिया चल चुका है, कंप्लीट हो चुका है। आइए जिस रास्ता पे आपको नहीं घुसना है उस रास्ते पे आपको अंदर से घुस के दिखा सकते हैं, दिखाना है कि चारों ओर ग्राउंड का व्यू कैसा है। इस रास्ते में आप कभी भी मत आना दोस्त, अगर आपने अच्छा मेहनत किया है तो इस रास्ते में, ये सबसे दुखदायी रास्ता है कि अगर आप इस रास्ते से होके जा रहे हैं, जो कि रिजेक्टेड जगह है, अंदर में पूरा चारों तरफ से चार जगह रिजेक्टेड एंट्री गेट बनाया जाता है, उस रास्ते में कभी भूल के भी मत आना। भगवान करे कि आप उस रास्ते पर आए भी ना, और अच्छा मेहनत किए हैं तो अच्छा से आपका कंपटीशन, अच्छा से आपका जॉब, वर्दी का जो सपना है वो क्लियर है। बहुत सारे बच्चे सोचते होंगे कि ग्राउंड ट्रैक ऐसे वैसे टेढ़ा मेढ़ा या आयताकार, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ग्राउंड ट्रैक बिल्कुल भी ओलंपिक एसोसिएशन के हिसाब से जैसे बनाया जाता है, टेक्निकल वाइज आपका 84 मीटर का स्ट्रेट और 76 मीटर का जो भी होता है कर्ब, वो सारा कुछ यहाँ पे कंप्लीट मिलेगा आपको, तो बिल्कुल मत घबराइए। आइए ग्राउंड का चारों ओर का व्यू देखते हैं।
झारखंड के इतिहास का वन ऑफ द बेस्ट भर्ती होने वाला है विथ मैनेजमेंट विथ कॉपरेशन। जिस हिसाब से 8,726 के आसपास में मात्र बच्चे हैं, तो बहुत कम बच्चे हैं एक तरह से देखा जाए। और टाइम की भर्ती से पहले तो लगभग 2,000-2,500 बच्चे सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट से आते थे, मगर इस बार 500-700 बच्चे आने वाले हैं मात्र। तो बिल्कुल परेशान होने वाली चीज़ नहीं है। ऑल ओवर झारखंड में सबसे पहले आपको ग्राउंड रिपोर्ट कोई अगर दे रहा है तो वो है आरसी फिजिकल एकेडमी। आप लोग जितना ज़्यादा सपोर्ट बना सकते हैं उतना ज़्यादा सपोर्ट बनाइए, उतना ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं उतना ज़्यादा शेयर कीजिए। तब जाके हम लोगों को एक मोटिवेशन मिलेगा। खाली पैर चल रहे हैं या फिर जैसे भूखे प्यासे, आप लोगों के लिए हर चीज़ को वीडियो को पहुँचाने का कोशिश करेंगे कि आप लोगों को बेहतर से बेहतर इन्फॉर्मेशन और सही इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। अब बच्चे मान लीजिए आप कहीं से भी आ रहे हो, चाहे ऑल ओवर झारखंड में कहीं से भी है, तो आपका 4 स्टॉपेज है रांची में उतरने का। मोटा मोटी 4 ही स्टॉपेज बनता है, उसमें सबसे मोस्ट प्रोबेबिलिटी बच्चे आते हैं स्टेशन से। स्टेशन से आप खेलगांव स्टेडियम कैसे पहुंचेंगे? स्टेशन से सीधे आना है आपको बुट्टी मोड़। बुट्टी मोड़ होते हुए आप सीधे आइए खेलगांव चौक। खेलगांव चौक से आप यहां पे आएंगे तो ऑब्वियसली उस दिन भीड़ रहेगा जिस दिन भी आप आएंगे उस दिन, और नहीं आएंगे नहीं भी समझ में आएगा तो डिस्प्ले पर दिए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप हमसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं कि कहाँ जाना है और कैसे जाना है उसके विषय में। उसके बाद में खिलगांव चौक आने के बाद में आप सीधे खिलगांव जेल की ओर जाएंगे, खिलगांव जेल की ओर। तो खिलगांव जेल की तरफ से एंट्री है दोस्तों, बिल्कुल इस चीज़ को डिनाई मत कीजिए। आपका मेन ग्राउंड से एंट्री नहीं होने वाला है, खिलगांव जेल की तरफ से एक आपका साइड में आपका जो गेट है उससे एंट्री होने वाला है, बिल्कुल इस तरफ से आपका मेन ग्राउंड है उस साइड में। और जो मेडिकल प्रोसेस होने वाला है, ये तो आपका भर्ती ग्राउंड हुआ, ये आपका भर्ती ग्राउंड होने के बाद में, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो पिछला वीडियो सबसे पहले जाके देखिए कि भर्ती ग्राउंड में क्या है और कैसे है और क्या हो रहा है उसके विषय में। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जानेंगे, यहाँ सिर्फ और सिर्फ आपका भर्ती होगा। पुलअप का सारा सिस्टम अंदर में लगा हुआ है, वहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, जूम करके दिखाइए, वहाँ पर आप देख सकते हैं, वहाँ पर आपका पुलअप बार लगाया हुआ है। पुलअप का पूरा सिस्टम अंदर पे है, वहाँ पर पुलअप का पूरा सिस्टम और मेडिकल का सारा प्रोसेस उसी एरिया पे होगा। मतलब आपको सिर्फ रनिंग करना होगा। अब मान लीजिए कि बच्चे जिस दिन पानी आ रहा है उस दिन फिजिकल कैसे करेंगे? आप अपने साथ एक बरसाती लेके आइए ही आइए। बरसाती इसलिए लेके आइए कि अगर खुदा न खास्ता किसी तरह से आपका पानी आ जाए आपके भर्ती वाले दिन, तो आप भींग जाए मगर किसी कारण से आपका डॉक्यूमेंट नहीं भींगना चाहिए। तो इस चीज़ को पक्का रखिए। और ग्राउंड ट्रैक का पूरा व्यू आपने नहीं देखा होगा तो पिछला वीडियो में जाके आप पूरा वीडियो देख सकते हैं कि क्या है ग्राउंड, कैसे है ग्राउंड और क्या है ग्राउंड का प्रोसेस। ये चारों तरफ से ग्राउंड सबसे पहले आरसी फिजिकल यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा है।